बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से हैं। रऊफ फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो, और रऊफ फजल अजीम की तरफ से आप सबको जुमा मुबारक हो, और रऊफ फजल अजीम की तरफ से आप सबको नया इस्लामी साल मुबारक हो। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल अजीम 27 राव को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन बवक्तन मिल सके। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। वो अपडेट्स आप लोगों को देंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें, आज जो है दुनिया के अंदर इस्लामी साल का पहला दिन है, यानी कि मुहर्रम का जो महीना है वो आज शुरू हो गया है। आप लोग देख सकते हैं, आज जो है 1442 हिजरी जो है इस्लामी तारीख के मुताबिक 1442 हिजरी जो है शुरू हुई है। और अल्लाह ताला से इस इस्लामी साल की इब्तदा पे यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा को इस दुनिया से जल्द अज जल्द ख़त्म करे, ताकि लोगों के मामलाते ज़िंदगियां वो हल हो सकें। तो अपडेट शुरू करते हैं। अपडेट सबसे पहले, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि अजीम भाई, आज केसेस की तादाद नहीं बताई गई, आपने जो है केसेस के बारे में वीडियो नहीं बनाई, ओमान के अंदर कितने केस आए हैं। आप लोग देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये आर्टिकल छाया किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। अभी जो ओमान के अंदर हॉलीडे है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर जो है केसेस की तादाद इसलिए नहीं बताई गई है। आगे इंशाल्लाह जब छुट्टी खत्म होगी तो इंशाल्लाह जो है केसेस की तादाद बताएंगे। इसके अलावा और अपडेट्स आप लोगों को बताते हैं। अपडेट्स हैं एयरपोर्ट्स के हवाले से, आप लोग दे सकते हैं, माशाल्लाह से अब जो है रेगुलर एयरपोर्ट्स का जो शेड्यूल है वो बताने शुरू कर दिए मस्कत एयरपोर्ट का। और आज जो है 9 फ्लाइट्स को उन्होंने बताया है कि 9 फ्लाइट्स जो हैं एयरपोर्ट के ऊपर आई है मस्कत एयरपोर्ट्स के ऊपर। ये माशाल्लाह बहुत खुशाइन बात है, अब जो है अपना शेड्यूल भी शो करना शुरू कर दिया मस्कत एयरपोर्ट की तरफ से। इसके अलावा टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर एक आर्टिकल छाया हुआ, और इस आर्टिकल के मुताबिक आरओपी की तरफ से हदायत जारी की गई हैं कि जो शीनस का जो इलाका है, शीनस में जो समंदरी जो इलाका है, वहाँ पे 26 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि समंदर के ज़रिए ओमान के अंदर इंटर हो रहे थे, यानी कि गैर कानूनी तौर पे ओमान के अंदर इंटर हो रहे थे। तो आरओपी की तरफ से आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट शाया की गई है, और इसमें जो है तमाम लोगों के लिए जो ओमान के अंदर ममनू तरीके से अनलीगल तरीके से आते हैं, उन्होंने कहा है आरओपी की तरफ से ये एक हदायत जारी की गई है उन लोगों के लिए कि वो इस तरह ना आए, नहीं तो उनके ख़िलाफ़ बहुत कड़ी जो है सज़ा होगी। तो उन्होंने अभी जो आप लोग देख सकते हैं 26 ऐसे जो लोग हैं उनको जो है पकड़ा है अपनी समंदरी हदूद के अंदर। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो अनलीगल तरीके से ना आए, जो लीगल तरीके हैं उनके ज़रिए ही सल्तनत के अंदर दाखिल हों। इसके बाद कुछ अपडेट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं निजवा मार्केट, जो बहुत पुरानी जो एक बाज़ार है, सूक है निजवा का, आप लोग देख सकते हैं उसकी मुख्तलिफ तस्वीरें माशाल्लाह से ये ओपन हुई है, और ये बहुत खुशाइन बात है। और आप लोग देख सकते हैं जो रौनकें हैं वो बहाल हो रही हैं। तो इस वक्त तक की अपडेट्स थी कुछ ओमान के वाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हिफाजत करें, बी सेफ इन योर हाउसेस, बी सेफ इन योर रूम्स। अब तक के लिए रऊफ फजल अजीम को दीजिए इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त आप लोगों से बहुत ज़्यादा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।